नमस्कार हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में खुलेंगे खेल परिसर, बाहरी राज्यों के लिए शुरू होंगी बसें, SOP जारी। शिमला में 2 मंजिला मकान में भड़की आग, जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। 3 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मी 30 को होंगे नियमित। हिमाचल में 23,000 विद्यार्थियों ने छोड़ा सरकारी स्कूल, रिपोर्ट में खुलासा। 2800 पंचायतों की वोटर लिस्टें 5 नवंबर तक फाइनल करने के आदेश। देश में कोरोना से 26 दिन बाद 1,000 से कम मरीजों की हुई मौत, 24 घंटे में आए 70,000 नए मामले। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती की मौत, इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा। एम्स ने CBI को सौंपी सुशांत की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट में खुलासा, शरीर में नहीं मिला जहर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना काल के 6 महीने बाद हिमाचल में खेल परिसरों को मंगलवार से खोल दिया जाएगा। SOP जारी कर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से सभी जिला खेल अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जिला अधिकारियों को तैयारियों के हिसाब से परिसर खोलने का अंतिम फैसला लेने की छूट भी दी गई है। राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर अभी कुछ दिन बंद ही रहेगा। बीते दिनों यहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते परिसर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। SOP में स्पष्ट किया गया है कि 18 साल से कम आयु के खिलाड़ियों को अपने माता पिता से सहमति पत्र लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए 60% यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने SOP तैयार कर सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार ऑर्डिनरी बसों के 60 और डिलक्स बसों में 50% सवारियां बिठाई जाएंगी। ये बसें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के लिए भेजी जानी हैं। जिला शिमला के चिड़गांव में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आगजनी में सारा मकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस अग्निकांड में अजीत पुत्र आगर सेन निवासी अम्बोई का मकान आग की भेंट चढ़ गया। अग्निकांड में अजीत के 3 कमरे और रसोई घर जलकर राख हो गई। घर से आग की लपटें उठती देख पड़ोसी जमा हो गए। स्थानीय पुलिस सहित ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मकान को राख होने से नहीं बचाया जा सका। अजीत का 2 मंजिला मकान तो आग की भेंट चढ़ गया, लेकिन लोगों ने आसपास के घरों को इसकी चपेट में आने से बचा लिया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में 3 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 30 सितंबर को नियमित होंगे। प्रदेश सरकार साल में 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमितीकरण करती है। इस बाबत सभी विभागों ने फील्ड से 30 सितंबर तक 3 साल का अनुबंध करने वालों का ब्यौरा एकत्र करना शुरू कर दिया है। हिमाचल के सभी विभागों सहित बोर्डों और निगमों में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों का मुख्यालयों में डाटा मांगा गया है जो 30 सितंबर तक 3 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा कर चुके हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए सरकार इन्हें निर्धारित तारीख में नियमित करेगी। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने में जुटी प्रदेश सरकार को UDICE रिपोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2019-20 में प्रदेश भर में 23,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। 6ठी से 10वीं कक्षा तक 14,000, 1ली से 5वीं तक 8,000 ड्रॉप आउट हुआ है। साल 2018-19 की रिपोर्ट में 1ली से जमा 2 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8,24,073 थी। अब ये संख्या घटकर 8,01,043 रह गई है। 2018-19 में सरकारी स्कूलों से 30,000 से अधिक विद्यार्थी कम हो गए थे। साल 2016-17 में 1ली से जमा 2 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8.45 लाख थी, जो 2017-18 में घटकर 8,24,613 पहुंच गई थी। साल 2018-19 में अभिभावकों का सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के प्रति भरोसा बढ़ा। 2018-19 में 2017-18 के मुकाबले ड्रॉप आउट का आंकड़ा 30,000 से घटकर महज 540 पर पहुंच गया था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल चुनाव आयोग ने प्रदेश की 2800 पंचायतों को 5 नवंबर तक वोटर लिस्ट फाइनल करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने सोमवार को उन पंचायतों और नगर निकायों को लिखित आदेश जारी किए जिनकी 31 सितंबर को विशेष बैठकें हो चुकी हैं। ये वही पंचायतें और नगर निकाय हैं जिन पर पुनर्गठन के बाद कोई असर नहीं पड़ा है। सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाने को तैयार है। इसी कारण प्रदेश की अधिकांश पंचायतों की मतदाता सूचियों के 5 नवंबर तक फाइनल प्रकाशन करने के आदेश दिए हैं। इस काम के लिए जिलों में एक एक अफसर की तैनाती करनी होगी। आयोग के पास वोटर लिस्टें ईमेल और सीडी के रूप में भेजनी होगी। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं, लेकिन देश में ये वायरस अब पहले जितना घातक नहीं रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि संक्रमण के नए मामलों की बजाय इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख को पार कर गई, लेकिन हाल ही के दिनों में सामने आ रहे दैनिक मामलों की तुलना में आज कोरोना के नए मामले कम सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 776 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले पिछले 26 दिन से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार चंदपा क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार सुबह करीब 6 बजे दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही हाथरस में पुलिस प्रशासन और सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पीड़िता की मौत की पुष्टि की है। मालूम हो कि युवती के साथ 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसका गला घोटने की कोशिश की, जिसमें पीड़िता की जीभ कट गई थी। सोमवार को हालत बेहद गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स पैनल ने आज अपनी रिपोर्ट CBI को सौंप दी है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला। हालांकि अभी कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को विस्तार से देखने की जरूरत बताई गई है। कूपर अस्पताल अभी भी सवालों के घेरे में है। एम्स की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि कूपर अस्पताल द्वारा सुशांत मामले में लापरवाही बरती गई है। मालूम हो कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी, जिस पर सवाल उठे थे। सुशांत के गले के निशान पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया था। सुशांत की मौत की टाइमिंग भी नहीं बताई गई। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।